नमस्कार, मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास शो कम्युनिटी के महारथी में। आज के इस खास शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से कमोडिटी कारोबारी समीर भार्गव और उनके साथ ओरिगो ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल। आज के इस खास शो में हम चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। तो इंद्रजीत जी, चने के बाजार को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप समीर जी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद धीरेंद्र जी, वेलकम टू अवर शो समीर जी। तो मेरे मन में कुछ सवाल है चने को लेके। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आपके हिसाब से मौजूदा साल में चना का उत्पादन क्या है? मौजूदा साल में ऐसे पूरे आंकड़े तो मेरे पे नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से उत्पादन जो है ज्यादा ही बैठेगा करंट ईयर में। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में चने की कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक है? चने की देखिए, सरकार की पॉलिसी के कारण पिछले 5 साल से व्यापारी बहुत ज्यादा पिटा हुआ है। और जैसे मारुति के ब्रांड हो गए 18, 19, 20, 21, सरकार की पॉलिसी के कारण सरकार समर्थन मूल्य पर चना खरीदती है और 500 रुपए और 600 रुपए कम में कंपनियों को दे देती है। इस वजह से चने का आगे भी मुझे भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा। और खासतौर पर चने का भविष्य तो अपनी जगह है, व्यापारियों का भविष्य मुझे, चने वाले जिन्होंने चना रखा है उनके व्यापारियों का भविष्य बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। मौजूदा समय में चने का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, अभी गवर्नमेंट का भाव है 5500 रुपए और मेरा भी खुद का वेयरहाउस है, गवर्नमेंट में माल आ नहीं रहा। तेवड़े का मीन मेक निकालते हैं, वो मिट्टी है, तेवड़ा है, इस वजह से ये लोग रिजेक्ट कर रहा है। उस वजह से किसान परेशान होकर मंडियों में बेच रहा है। मेरी खुद की मंडी में 4400 से 4500 चना बिक रहा है, समर्थन मूल्य से 700 रुपए कम बिक रहा है चना बाजार। मुझे लगता नहीं है कि सरकार जो है इच्छुक है, और सरकार को अगर जो भी माल मिल भी गया है तो सरकार जो है कंपनियों से आगे मिली भगत करके कम भाव में दे देगी। आगे भविष्य जो है चने का अच्छा नहीं है। नीलो और स्टॉकिस्ट की ओर से चने की मांग कैसी है फिलहाल? देखिए, लास्ट ईयर लोगों ने चना रख रखा था, इससे पिछले साल भी चना रखा हुआ था, लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब दिल्ली चना 5000 था तो लोग 4900 में बड़ी उत्साह से मंडी में स्टॉकिस्ट ले रहे थे। इस बार चना अभी दिल्ली 5000 है और लोग 4400-4500 में भी स्टॉकिस्ट मंडियों में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, दाल मिल की जहां तक बात है, एक भी कट्टे की बिक्री नहीं है। जबकि शादियों का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, वैसे भी अप्रैल एंड और मई में दालों की बिक्री बिल्कुल जीरो हो जाती है क्योंकि लोग आम फल फ्रूट्स ज्यादा पसंद करते हैं। इस साल चने की सरकारी खरीद को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, सरकार ने मध्य प्रदेश में, तो सरकार की स्थिति ये फिलहाल में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, तो फिलहाल में सरकार की स्थिति है कि सरकार मीन में खुद निकाल रही है, तेवड़ा है तो नहीं तुला रहा है। और किसानों में अभी बिल्कुल भी सरकार की नीतियों के कारण और सरकार का जो जिन्होंने नियुक्त करे पर्यवेक्षक, वो लोग जो इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में तो ज्यादा माल मिलेगा नहीं। और किसान जो है मध्य प्रदेश में जो है मंडियों में ही बेचना सही समझ रहा है। हर मंडी में 1500 से 2000 बोरे आवक है, बाकी गुजरात वगैरह का जरूर सुनने में आ रहा है कि वहाँ अच्छी खरीद हो रही है। लास्ट ईयर से ज्यादा मिलेगा चना सरकार को, क्योंकि मंडियों में भाव लास्ट ईयर से 400 से 500 रुपए मंडियों में कम चल रहा है, इसलिए सरकार की खरीद जो है इस साल ज्यादा रहेगी। ओके, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे कि हमने देखा है कि अभी तक उतना खरीद चालू हुआ नहीं है सरकार की तरफ से, तो ये आगे चल के होने वाला है या इस बार मतलब कम ही रहेंगे? नहीं, मंडियों में मतलब जैसे वेयरहाउसों में मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी वेयरहाउस देके बैठा हूँ। अभी किसानों को वो परेशान कर रहे थे, इस वजह से किसान ज्यादा उत्सुक नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रगति पकड़ी है और सरकारी खरीद हर वेयरहाउसों में हर जगह थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुई है, क्योंकि मंडियों में भाव 700 रुपए समर्थन मूल्य से कम दिख रहा है, इसलिए मेरे अंदाज से खरीद जो है थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इस साल चने का एंडिंग स्टॉक कैसा रह सकता है? चने का तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले साल का तो नहीं बोलूंगा, इससे पिछले साल का ही अभी स्टॉक व्यापारियों पर मौजूद है और पिछले साल का भी स्टॉक मौजूद है जो बिल्कुल नहीं बिका। चने में व्यापारियों को अगर मैं इंटरेस्ट के जोड़ लो और मैं भाव डिफरेंस के जोड़ लो तो एक बोरे पे 1500 रुपए का नुकसान है, तो व्यापारी माल अभी बेचेगा नहीं। एंडिंग स्टॉक बहुत ज्यादा है, अगर इस साल उत्पादन नहीं भी हो तो भी व्यापारियों पे इतना माल है कि वो पूरे देश को खिला सकता है, तो मेरे अंदाज से एंडिंग स्टॉक बहुत ज्यादा निकलेगा और आगे भविष्य अभी कोई तेजी का दिख नहीं रहा।
आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए समीर जी और इंद्रजीत जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत के इस सिलसिले को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़े फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।